नमस्कार किसान भाई। तो भाई आज अपने पास महिंद्रा 575 DiXP प्लस 47 HP में, और भाई दूसरा फार्म ट्रक 60-50 HP में वैल्यू मैक्स, और पीछे खड़ा है महिंद्रा 275, वो ही नहीं लग रहा है भाई। ये 5000 ईंट है इसमें भाई। आ गई खाली कर ली ना निकल से। बस्ती जाएगी और हूं क्यों जा सर करे के मावल करी नुक ना नुक बहन से नुक हो पास वे अंकल ही पर नुक रखा था, पर एक पहले पहले ट्रैक्टर आया था, पर एक तीनों गिन भाई। ये हिमांशु भाई, तो भाई ये ट्रैक्टर क्यों नहीं निकल रहा? अरे भाई ये 60 तो खत्म सींग है, हमें लिकड़ी ना देखो ट्रोली के टायर ने बैठा दिया। हम कुछ अकल भी ना है, पर आख लिया तो जब सही रहता, और वो अगर 585 है 75 हाँ 75 है XP प्लस जो 47 HP वो तो तेल फेंक रहा है चारों तरफ से भाई। मेरा झोटन लगा पाड़ देता, मां कसम तो पाड़ के लिए आता है मैं, पाड़ देते इसको भाई। देख मैंने 45 भी पाड़ रखा है, ओपन चैलेंज दे रहे हो सबको? मैं सब भाई मैं 45 HP तक ओपन चैलेंज है, कोई भी बीट सकता है मेरे ट्रैक्टर से, कोई दिक्कत नहीं है। अकेला खींच ले जाऊंगा। कब निकलवाया था आपने भाई? इसे एक साल हो गए। एक साल हो गए, कितने घंटे चला दिया आपने देख लो भाई? ये चला दिया आपने 139 घंटे। 139 घंटे चला। तो ट्रैक्टर कैसा है भाई? भाई ट्रैक्टर तो बढ़िया है। तो आपने पावर स्टीयरिंग क्यों नहीं लिया भाई? पावर स्टीयरिंग में पहली बात तो हमें पता नहीं था पावर स्टीयरिंग में आते हैं ये ट्रैक्टर। अच्छा, नहीं तो भाई हम भी पावर में ही ले आते हैं। फायदा है भाई पावर में कि क्या कहते हैं, एक तो आप ज्यादा जमीन जोतते होंगे तो हाथ दुख जाते होंगे। हाँ ज्यादा जमीन जोतते हैं जब हाथ दुख जाते हैं, और टाइट भी होगा बहुत ज्यादा। हाँ ये टाइट भी है, चलता है थोड़ा सा ढीला हो जाता है, मतलब नॉर्मल टाइम में। पावर स्टीयरिंग में तो भी और भी बेस्ट होता। हाँ और भी बेस्ट होता। रुपए में कितना अंतर था पावर स्टीयरिंग और इन में? ये 525 का पड़ा है, वो 535 का। अच्छा 10,000 का अंतर था। दस इतना का ही अंतर। तो आपने 275 क्यों लिया, 575 क्यों नहीं लिया? कितने बीघे जमीन बोते हो आप भाई? छोटे मतलब कम बीघा खाता रहे ना, सबसे बढ़िया 275 ट्रैक्टर। इससे अच्छा कोई ट्रैक्टर नहीं है जो अपने भाई छोटी मोटी। एवरेज कैसी है इसकी? एवरेज भी एक नंबर की है भाई ट्रैक्टर में। अच्छा, कोई कमी नहीं है भाई ट्रैक्टर में किसी को भाई, मतलब कोई बड़ी जम खेती करता है तो उसके लिए 575 बहुत बेस्ट है। 575 जो लग रहा है वो तो तेल फेंक रहा है। हाँ वो तो थोड़ा सा बेकार कर रखा है ट्रैक्टर वो। और इसके पीछे जो 60 जुड़ रहा है वो वाला जो 60 है ये कैसा है भाई? 60 में इतनी जान नहीं है, जो खत्म है ये। हाँ ये खत्म है वैसे तो, पर जो नई ट्रैक्टर आ रहे हैं 60 उसमें बढ़िया पावर दे, जो 60T20 पावर मैक्स आ रहा है, जो 55 HP कैटेगरी में ट्रैक्टर है, बढ़िया ट्रैक्टर भाई, हमने अपनी आंखों से देखा उड़ा है। अच्छा 5000 ईंटों को तो वो समझता नहीं पीछे। अच्छा। और जो 60-50 HP कैटेगरी में वैल्यू मैक्स ये खत्म है? ये खत्म है ये सब। और 575 है वो? 575 बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। वैसे वो क्यों नहीं जान लगा रहा वो जान? क्योंकि भाई यहाँ पर देखो ट्रॉली दिखा दे एक बार किसान भाई, ट्रॉली देखो आप, इतना टायर बैठ रहा। हाँ जी बोलिए भाई, बताते हैं हम ये 60 जैसे कि टोतन जुड़ा हुआ है, 60 जान ही नहीं मार पा रहा अपने हद से। वो 575 अपनी हद से जान मार रहा है, तो यही बात है। अब देखो ईंट को उतारने लग रहे हैं, दूसरी ट्रॉली यहाँ खाली कर रहे हैं आधी ईंट, उसके बाद निकालेंगे इसको। ट्रैक्टर तो खींच ही नहीं रहा है भाई। आपके 13 टायरों में? हाँ 13 के टायरों में है भाई। ट्रैक्टर संतुष्ट हो आप? हाँ संतुष्ट है ट्रैक्टर से? यस। चलो बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है वैसे, कोई दिक्कत है? कोई छोटी मोटी खेती करता है तो भाई सबसे बेस्ट ट्रैक्टर यही है 275। हाँ सही बात है। और कोई बड़ी खेती करता है उसके लिए 575 बहुत बेस्ट ट्रैक्टर है। अच्छा। और भाई कोई और उनकी मर्जी भाई, कोई बड़ा ट्रैक्टर लाना चाहता है, पर भाई फार्म ट्रक के भी घने बंदे फैन हैं, महिंद्रा के भी हैं भाई, अलग अलग कंपनी का कोई ट्रैक्टर अलग अलग कंपनी खरीदना चाहता है अलग अलग, भाई मैं तो राय देता हूँ कि छोटी मोटी खेती के लिए 275 बहुत बेस्ट ट्रैक्टर। हाँ
चलो तो भाई फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।